हाल ही के दिनों में कॉटन की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। कॉटन की कीमतों में आई इस तेजी पर लगाम कसने के लिए एमसीएक्स ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। कॉटन की कीमतों में तेजी को रोकने के लिए एमसीएक्स ने कॉटन वायदा के नए नियम जारी किए हैं। अगस्त सीरीज के ये नए नियम सोमवार से लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत डेली प्राइस लिमिट को 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है, तो वहीं एडिशनल मार्जिन को 6% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। कॉटन के एक बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के कारणों पर नजर डालें तो सरकार ने मॉनसून के असंतुलन का नई फसल पर नेगेटिव असर पड़ने की उम्मीद बताई है। भारी बारिश से गुजरात महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। नॉर्थ के राज्यों में कम बारिश से बुआई पिछड़ी है। कैरी ओवर स्टॉक भी बेहद कम रहने से कीमतों को सपोर्ट मिला है। उधर इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉटन की चार पर नजर डालें तो एक हफ्ते में कॉटन के भाव में 3.5% के आसपास की तेजी दर्ज की गई है, जबकि एक महीने में इसके भाव 1.5% चढ़े हैं और एक साल में कॉटन के भाव 12.5% तक ऊपर पहुंचे हैं। जानकारों का कहना है कि इस कॉटन का उत्पादन 375 लाख बेल्स रहने की उम्मीद है। 4 अगस्त तक 121,13,000 हेक्टेयर में कॉटन की बुआई हो चुकी है। पिछले साल 113,05,000 हेक्टेयर में ही बुआई दर्ज की गई थी। अक्टूबर 22 सितंबर 23 सीजन में उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। उधर अच्छे मौसम से उत्पादन बढ़ने का अनुमान भी बढ़ता जा रहा है। कीमतों में रिकॉर्ड तेजी से बुआई बढ़ी है। आपको बता दें कि कॉटन के भाव एमएसपी के 2 गुने के ऊपर जा चुके हैं। कॉटन के भाव 12,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे। इसके बाद ही एमसीएक्स ने सख्ती करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि अगले साल की एमएसपी 6,080 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं इस साल एमएसपी 5,726 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।